कल्चर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमने डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस पढ़ी थी या नाम पढ़े थे उनमें एक होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट चीज़ों को सीखना समझना और जहन का उम्र बढ़ने के साथ बच्चा शुरू में कम से कम कॉग्निशन रखता है उसको आवाज़ों की पहचान नहीं होती वो कुछ और चीज़ें नहीं समझता आप उससे वही बात करते हैं जो आप बिल्कुल इन्फेंट या बेबी हो उनसे बात नहीं करते हम उसके साथ एक ऐसे ही मुस्कुराते हैं या कोई आवाज़ें निकालते हैं तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट वक्त के साथ जहन का बढ़ना और उस जहन की कैपेसिटी का बढ़ना इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं अब इसका कल्चर से कोई ताल्लुक़ है कल्चर का इससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक है ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में किसी भी कल्चर में बच्चा पैदा हुआ हो उस कल्चर का उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे असर होगा सबसे पहले एंड ऑब्वियसली कल्चर जो है एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस आपको प्रोवाइड करता है कि किसी मसले के हल क्या होते हैं ठीक है जो आपसे पहले लोगों को मसले पेश आए थे उन्होंने इसको कैसे हल किया था ये सब हमारे जिन में ट्रांसमिट हुआ होता है अपने कल्चर से कल्चर जो है वो ऑल्सो थिंक एंड एक्ट करने का एक स्टोर हाउस आपको प्रोवाइड करता है अब आपके दो बच्चे जो देख रहे हैं ये मुख्तलिफ़ कल्चर के हैं इनको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ों को जहानत के साथ हल करना उनके जहन का बढ़ना फलना फूलना और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मास्टरी हासिल करना वो जो है उसके कल्चर से बहुत ज़्यादा आता है उसकी तरफ मसला अब अगर ये एक डेज़र्ट का कल्चर है तो ये बाप जो है इसका बच्चा जो है वो नंगे पाँव चलना खुद को ख़तरे से बचाना दौड़ के कोई चीज़ चढ़ जाना आपने कभी पहाड़ों में देखा होगा हम हैरान हो रहे होते हैं जिस तरह बकरियां यूं पहाड़ पे चल रही होती हैं हाथ लगाए बग़ैर उनकी औरतें और बच्चे बड़ी छोटी उम्र से बड़ी तेज़ी से चढ़ते हैं हम वो नहीं कर सकते क्योंकि हम उस कल्चर में वो वाली इंटेलिजेंस वो वाली कॉग्निटिव डेवलपमेंट मोटर डेवलपमेंट नहीं अचीव करते तो कल्चर आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अहम रोल अदा करता है जो न्यू बॉर्न है ना वो दुनिया में आता है एक सोशल वर्ल्ड में आता है जिसमें वो लोग हैं जो पहले ही बहुत कुछ सीख चुके हैं तो जो उन्होंने सीखा होता है वो आगे बच्चों को ये कल्चरल नॉलेज जो है वो देते हैं। और जो लोग आपसे बड़े हैं वो जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो बड़ों का जो बिहेवियर है वो उस कल्चरल नॉलेज से बना होता है पहले ही कब किस तरह क्या क्यों करना होता है तो बच्चे की जो शुरू के तजर्बे हैं ज़िंदगी के वो एक कोरियोग्राफ्ड uh, इंट्रीकेट कोरियोग्राफ माहौल में स्क्रिप्टेड इवेंट्स के अंदर पढ़ते हैं दोनों तीनों टर्म्स को समझने की जरूरत है इंट्रिकेटली आपस में घुले मिले पैचीदा कोरियोग्राफी आपने सुनी होगी जब हम किसी मूवमेंट के साथ कोई म्यूजिक लगाते हैं हम कहते हैं कि कौन पहले आएगा क्या होगा तो ये एक पूरा ऑर्केस्ट्रा है एक कोरियोग्राफी है अब सेट ऑफ स्क्रिप्टि ये है कि जो वाक्यात होते हैं उनकी एक स्क्रिप्ट बने होते हैं मतलब खाने की मेज़ पे क्या करना है रेस्टोरेंट में जाके क्या करना है क्लास में क्या करना है बाप घर में आए तो क्या करना है अजान की आवाज़ सुनाई दे तो क्या करना है ये स्क्रिप्ट बने हुए हैं हमारे हम खुद ब खुद वो करते हैं हम कुछ भी कर रहे हो वो इतना पक्का हो गया स्क्रिप्ट की अज़ान की आवाज़ ही मैं सर कवर कर लूँगी ठीक खामोश हो जाएंगे ये हमारा स्क्रिप्ट है किसी और कल्चर में ये नहीं होगा जिनका माहौल हमारे जैसा नहीं है तो ये जो केयर टेकरस होते हैं जो बच्चों का ख्याल रखती हैं उन्होंने ये पूरा कल्चरल नॉलेज अपने बिहेवियर से बच्चों को ट्रांसमिट किया होता है तो इसीलिए जो कॉग्नेटिव डेवलपमेंट है वो सोसाइटी का जो वरसा है जो कल्चरल नॉलेज है वो हम तक पहुंचाता है ये जो कल्चरल रिसोर्स हैं ये कई चीज़ें हमें सिखाती हैं मसलन बेबीज़ को कैसे पालना है उनको उनकी चीज़ें कैसे करनी है ताकि वो जब बड़े होते जाएँ तो वो वही वो रोल प्ले करें जो उनकी माँ या उनके बाप करते थे तो बच्चा उस रोल के लिए तैयार होता है अपने कल्चर में एक नस्ल दूसरी नस्ल को सिखाती है और बड़ा बहन भाई छोटे बहन भाई को सिखाता है अब आप ये देखें इस कल्चर में छोटे बच्चे हैं पाँच छः साल के होंगे मुश्किल से वो एक बेबी को संभाल रहे हैं नॉट ऑल कल्चर हैव दैट आई रिमेंबर हमारे कल्चर में ये है मैंने अपनी छोटी बहनों को छोटे भाई को गोद में उठा के बहुत उनके काम किए हुए हैं क्योंकि ये हमारे कल्चर में हम उस रोल के लिए तैयार कर रहे हैं कि जब तुम बड़े हो तो तुमने अपने से छोटों का ध्यान रख ठीक है तो ये एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज़ होते जाते हैं और एक से दूसरी नस्ल की तरफ मुंतकिल होते जाते हैं इसका मतलब है कि जो कोगनीटिव डेवलपमेंट हो रही है वो आपके कल्चरल जो एक लाइब्रेरी है पूरी एक ट्रेनिंग सेंटर है हमारा घर हमारी फैमिली हमारी सोसाइटी उसके अंदर से चीज़ें हमने सीखी हुई होती हैं कतार बनाना एक प्रैक्टिस है जो पाकिस्तानी कल्चर में नहीं ज़्यादा लेकिन कुछ और कल्चर्स में वो अपनी बारी का इंतज़ार करना या कतार बनाना या किसी के पास से गाड़ी ना निकालना तो हम वही सीखते हैं अपने जेन में वही इवेंट्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि इस तरह से हमने करना है जो हमारे कल्चर में हमसे बड़े करते रहे हैं और वो सिखाते जाते हैं हमें और हम अपनी अगली नस्ल को सिखाते हैं